हाँ भाई, क्या कह रहे थे तुम हमारे टीम मेंबर को? कुछ भी नहीं मैडम, धमकी दे रहे थे? नहीं, मैंने नहीं धमकी दी। झूठ बोल रहे हो आप? नहीं जी। क्या क्या कह रहे थे कि सुबह आपको वलेमा पड़ जाएगा? क्या पुष्प बनाइए? किसी की नहीं मैडम, मुझे तो अकड़ किस बात पे रहे? नेकी का काम किया था? नहीं जी, बहुत बड़ा गुनाह किया जी। कितने अरसे बाद तुम्हें अल्लाह ने बेटा दिया था बेटियों के? तकरीबन 3-4 साल बाद। 4 साल के बाद बच्चा क्यों मारा? लालच में आकर मारा मैं। लालच किस चीज का? पैसों का लालच। किस बात का? वो प्राइस बॉन्ड था क्या? था नहीं मैडम, बच्चा था मेरा। लालच किस बात का था, वही तो पूछ रही हूँ। यही कि मुझे इमदाद मिलेगी, हुकूमती इमदाद मिलेगी, पैसे मिलेंगे। अच्छा, कहीं देखा था ये पहले? कसूर में बड़ी दफा हुआ ऐसे। अच्छा, तुम वाकई से इंप्रेस हुए बेटा। हाँ जी। प्लानिंग कैसे की थी उसे मारने की? कुछ भी नहीं, बस घर बैठा था और उसको साथ में लेके रोजाना बाहर निकलता था। उस दिन भी वैसे ही उसे लेके निकला और सीधा नहर पे चला गया। फिर? और वहां पे जाके मैंने उसे पानी में फेंक दिया नहर में। तरस नहीं आया? तरस नहीं आया? गलती हो गई मुझसे, गुनाह हो गया, बहुत बड़ा। उसकी सजा मुझे अल्लाह देगा। तुम्हें बाबा कहता था वो? हाँ जी। क्या कहता था? बाबा ही। और तुम्हें तब भी तरस ना आया उसके ऊपर जो वो डूब रहा था? मैं वहां पे रुका ही नहीं, मैंने वहां से निकला यार। उसकी डेड बॉडी तो देखी होगी फिर? हाँ, तस्वीर में देखी थी बस। आगे ड्रामा क्यों किया सारा? इसलिए कि शायद ये मेरे इस गुनाह पे पर्दा डाल जाए। कैसे पर्दा डाल जाए? या लालच में आके लोग सारा कसूर बाहर निकल आए और मुझे पैसे मिल जाए? हाँ जी। हैं? हाँ जी। बेहोश क्यों हुए थे? ड्रामा किया था। अच्छा, जो रोते फिर रहे थे, पुलिस के पास भागे, सब ड्रामा करके किसको दिखा रहे थे? इलाके वालों को, बीवी को? हाँ जी, सबको। अच्छा, उसे आके क्या तसल्ली दी बीवी को? कुछ भी नहीं, मैंने कहा मैं। उसने पूछा नहीं बच्चा तुम लेके गए थे? उसने कहा मैंने कहा मैं नहीं लेके गया। तुम तो सामने लेके गए उसके। मैं तो घर ही छोड़ के गया हूँ। मैंने उसे ये कहा मैं घर छोड़ के गया हूँ। अच्छा, कौन सी नहर में फेंका था? कसूर बीआरबी नहर। अच्छा, कितने बजे का वक्त था? तकरीबन 3:30-4 का टाइम था, शाम के। हाँ जी। तुम पहले भी आदि मुजरिम हो, तुम पे पर्चे हैं कई, चलान हुए भी उन्हें। जी मैडम। क्या करते थे? एक डकैती का पर्चा था, उसमें चलान हुआ था। उसके अलावा भी एक पर्चा है? एक झगड़े का था। अच्छा। हाँ जी। डॉन बनने का शौक था? नहीं मैडम। डॉन बनते बनते मर्डरर बन गए? हाँ जी। मेरा ख्याल है कि काफी हद तक सुन लिया होगा कि अब लालच की बुनियाद पर या जिस भी बुनियाद पर तुमने अपने बच्चे को मारा है, अब नए बिल के मुताबिक तुम्हारे साथ क्या हो सकता है? सुन लिया ना? हाँ जी। तुम्हें बहुत शौक था डॉन बनने का, फायरिंग वायरिंग करते रहे हो। हाँ जी। बीवी के साथ लड़ाई झगड़ा रहता था तुम्हारा? हाँ जी। क्यों? तनाजा थे। क्यों? बस बनी बड़ी करती थी बस, तुम्हारा ख्याल रखती थी? मेरा ख्याल एक दिन भी नहीं रखा मैंने उसने। कैसा ख्याल रखवाना चाहते थे? घर तो वो चलाती थी, तुम तो फारिग थे, इससे ज्यादा क्या करते? काम करता था मैं, फारिग कहाँ था। अच्छा, क्या काम करते थे? इनमें चलान हुए हुए वो काम करते? प्रॉपर्टी का काम था मेरा। अच्छा, पैसे लेके लोगों को कभी थप्पड़ मार दिया, कभी कुछ मार दिया, कभी ऐसे कर दिया? ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बड़े शरीफ थे, काम धंधा करते थे, शाम को घर चले जाते थे? हाँ जी। ये वही काम धंधा करते थे जिसमें चलान हुए हुए? वो भी हमारा झगड़ा हुआ था जाती और मुकाम। तुम्हारा झगड़ा हुआ, तुम्हारी दुश्मनी हुई, तुम क्या हो, जागीरदार हो, कुछ सियासतदान हो, क्या हो तुम, किसी सुपर पावर के वजीर आजम हो, सदर हो, क्या हो तुम? लड़के तुम पे पर्चे भी झगड़े में हो रहे हैं, तुमसे हर एक को दावत है, लालच की बुनियाद पर तुमने बच्चा मार दिया, ये थी तुम्हारी शराफत? एक औरत जो घर में रहती है, अपना खर्चा खुद उठा रही, तुम्हारे बच्चे का खर्चा उठा रही है, वो शरीफ औरत जो चादर चारदीवारी के तकद्दस में रहती है, उसको तुमने बर्बाद कर दिया। गलती होगी मुझसे, गुनाह हो गया बहुत बड़ा। अब होना क्या चाहिए तुम्हारे साथ? नदामत तो होगी ना अपने गुनाह की? जो वो सजा कह रहे थे वही लेने के लिए। क्या सजाए मौत? नाज़िम, ये वो दरिंदा है जिसने अपने 13 माह का बच्चा
कत्ल कर दिया सिर्फ लालच की बुनियाद पर। इस शख्स ने अपना एक इकलौता बेटा, इसको बेटियों के बाद अल्लाह ने औलाद से नवाजा था, और ये ऐसा सफाक शख्स निकला जिसने अपने चंद टकों सिक्कों की लालच में कि शायद मुझे हुकूमती इमदाद मिल जाएगी, मैं लावारिस होके बेबस होके कि मेरा बच्चा किसी ने मार के फेंक दिया, ये कर दिया वो कर दिया, और पता नहीं इसने क्या शेख चिल्ली वाले पुलाव पकाए हुए थे, और उस चक्कर में इसने अपना 13 साल का मासूम मार के नहर में फेंक दिया, और फिर लोगों के बीच ड्रामा करता रहा, ढूंढता रहा कि मेरा बच्चा ढूंढो, बेहोश होके गिर गया, मनादियां कराता रहा, FIR में मुदई बनने पुलिस के पास आ गया। और इस जानवर ने ये ना सोचा, शायद जानवर भी, मैं लफ्ज इसके लिए छोटा बोल रही हूँ क्योंकि वो भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, इस सफाक शख्स ने ये ना सोचा कि वो मासूम है, वो बाबा बाबा करता है, उसने नया नया मुझे बाप कहना सीखा है, मेरी उंगली पकड़ के चलना सीखा है। कि जी बासियत औरत, मेरे पूरे इदारे की जानिब से, न्यू टीवी नई बात मीडिया ग्रुप की जानिब से, पूरी इंसानियत की जानिब से आपके साथ हमदर्दी है। आपका मासूम बच्चा, पहली औलाद आपकी, एक दरिंदे ने आपसे छीनी। क्या उम्र थी आपके बच्चे की? मेरा बेटा 13 माह का था। 13 माह का बच्चा था आपका? हाँ जी, अगस्त का मेरी शादी को 2 साल हो जाने हैं। एक 13 माह का बच्चा उसके सगे बाप यानी आपके शौहर की जानिब से क्यों मार दिया गया? लालची इंसान था। लालची मतलब? गुंडागर्द की करनी। तो बच्चे पे निकालनी थी? अब उसे पता हो ना मैंने क्या किया क्या नहीं। आपको क्या समझ आती है क्यों मारा उसने? हमें समझ आती तो हमारे बच्चे को मार के हमारे साथ ही होता, सारी रात हमारे साथ ही रहा। जब मेरे बच्चे को मार के आया, हमें तो उसने इतना यकीन दिलाया हुआ था ना कि हमें उस पर ज़रा सा भी शक ही नहीं गया। पुलिस वालों के साथ ही रहा, सारी रात ही रहा। रोया पीटा? हाँ, इधर आया, कभी किसके ऊपर गिर रहा था, मेरा बेटा नहीं मिल रहा, मेरा बेटा नहीं मिल रहा, फुल ड्रामा कर रहा, फुल ड्रामा कर रहा था। अच्छा, तो हमें तो जरा सी भी भनक भी नहीं आई थी कि ये ऐसा करेगा। 2 साल से शादी हुई है, दुख बड़े दिए हैं, लेकिन अपने जुबान की खातिर मैंने अपनी जिंदगी यहाँ तक पहुँचा दी है। दुख दिए मतलब क्या? 2 साल के अंदर उसने 7 मकान बदले हैं, एक जगह मकान किराया नहीं दिया, मालिक मकान बोले हैं, दूसरी जगह चला गया, दूसरी जगह नहीं दिया, तीसरी जगह चला गया, बिल आ गया नहीं दिया, घर में खर्चा नहीं दिया। फिर मैं अपनी वालदा के घर, कभी मैंने अपने वालदैन को भी आगे शिकायत नहीं की थी, इसके साथ गुजारा करती रही हूँ मैं, इसने अब हद पार कर दी है। आपको अब क्या समझ आती है कि मेरे शौहर ने मेरी औलाद यानी हमारी औलाद, अपनी औलाद को क्यों मारा होगा? क्या उसे शक था कि आपके किरदार पे? नहीं, या उसे बच्चे से प्यार नहीं था? नहीं नहीं, इसकी ना यह हसरतें बड़ी थी कि मैं अपनी वहशत ना दुनिया में फैलाऊं, मुझसे लोग डरें।